हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है जीएस स्पेशल। तो आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी इन्वायरमेंट के सेक्शन का ये कॉन्सेप्ट हमारा। तो हम इसको देखेंगे आज कि कौन से स्टेट्स में कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट किस स्टेट से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व बिलोंग करता है, या इनको नॉर्थ टू साउथ लगाओ या ईस्ट टू वेस्ट लगाओ, तो ऐसे पूछे जाते हैं। हम उसकी अच्छे से आज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व कोई भी एक ऐसा लार्ज एरिया हो सकता है जहाँ पर हम फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, मेनली वर्क क्या होता है, फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करना, उनकी डाइवर्सिटी को, जो उनमें भिन्नता है फ्लोरा और फौना की, उनको प्रोटेक्ट करना। फ्लोरा फौना मतलब पेड़ पौधे और जानवरों की प्रजातियों को सही से प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो इंडिया की बात करें, इंडिया में टोटल इंडियन गवर्नमेंट ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। ठीक है, इसमें से मैं बता दूं कि 18 में से 11 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे मैप प्रोग्राम में भी है। जो मैप प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जो यूनेस्को का 1971 में लागू हुआ था, उसमें हमारे 11 बायोस्फीयर रिजर्व भी है 18 में से। ठीक है, और टोटल इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो एक बड़ा एरिया होता है, उसके अंदर नेशनल पार्क्स और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ जाती है। ठीक है, तो समझने के लिए हम देख लें कि बहुत सारे नेशनल पार्क हो गए एक या दो, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो एक बड़े से बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व में मेनली बड़ा एरिया कवर करते हैं। ठीक है, तो और बायोस्फीयर रिजर्व में हम सिर्फ फ्लोरा और फौना मतलब पेड़ पौधे और जानवरों को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि ह्यूमन कम्युनिटीज़ होती है ना, जो इनहैबिटेड रीजन्स वगैरह में रहती है, उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे बहुत से ट्राइबल्स एरियाज हो गए ना, उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है, उनकी संस्कृति को भी बचा के रखने का काम किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत। ठीक है, तो ध्यान रहे कि बायोस्फीयर रिजर्व में सिर्फ फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि ह्यूमन कम्युनिटीज़ और जो ट्राइबल्स पीपल्स के रिचुअल्स वगैरह, उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन्स होते हैं। ठीक है, उनको हम अच्छे से देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि इन 3 जोन्स को सही ऑर्डर में लगाइए। तो जो एक होता है कोर एरिया, एक होता है बफर जोन, और एक होता है ट्रांजिशन एरिया। ठीक है, तो हम देख लेते तीनों होता है क्या है। जो कोर एरिया होता है वो नाम से ही पता चलता है, बीच का एरिया, जो बायोस्फीयर रिजर्व के सबसे बीच में होता है वो होता है कोर एरिया, और जो उसके बाद आता है साइड में वो होता है बफर जोन, और ट्रांजिशन जोन बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी एरिया होता है। जैसे डायग्राम में भी दिखाया गया, इसमें नीचे वाले में आप देखिए, जो एक ग्रीन एरिया है, लाइट ग्रीन, ये है कोर एरिया। कोर एरिया मतलब बिल्कुल बीचों बीच होता है, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। ठीक है, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, बिल्कुल जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है इसमें। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी, ना ह्यूमन एक्टिविटी, कोई अलाउड नहीं होती कोर एरिया में। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में होता है। उसके बाद जो ये आपको येलो कलर का यह दिख रहा है, जो कोर एरिया के चारों तरफ से घेरे होते हैं, इसे कहते हैं बफर एरिया। इसमें कुछ एक्टिविटीज अलाउ होती है। ठीक है, कैसी एक्टिविटीज, जैसे साइंटिफिक रिसर्च वगैरह की, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह की, एजुकेशन वगैरह की, और जानवरों या पेड़ पौधों को मॉनिटर वगैरह करने की एक्टिविटी इसमें अलाउड होती है, किसमें, बफर जोन में। लेकिन कोर जोन में कोई ऐसी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। ठीक है, तो कोर जोन काफ़ी प्रोटेक्टेड होता है, उसमें भारी हस्तक्षेप बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, और बफर एरिया में कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड होती है। अब बफर एरिया के बाद क्या आते हैं, जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये उसे कहते हैं ट्रांजिशन जोन। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ अलाउड कर दी जाती है, जैसे इकोनॉमिक्स को प्रोटेक्ट करने, इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, वुमेन डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जैसे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। तो जो ट्रांजिशन जोन होता है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है, जो सबसे भारी एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। उसके बाद जो हमारा बफर जोन होता है, उसमें कुछ स्पेशल, सारी नहीं, कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ अलाउड होती है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च वगैरह या एजुकेशन से कोई सिलसिले में वहाँ जाना चाहता है तो वो जा सकता है उस एरिया में। और जो बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बीच का एरिया होता है, जिसे कहते हैं कोर एरिया, वहाँ पे किसी भी प्रकार की एक्टिविटी अलाउड नहीं की जाती। ठीक है, क्योंकि हम उस एरिया को अच्छे से प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, इसलिए कोई मानवीय हस्तक्षेप उसमें बर्दाश्त नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये थे इनके 3 जोन होते हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए किस जोन में किस प्रकार की एक्टिविटी अलाउड होती है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है। तो हमने शुरू में देखा था कि इंडिया में कितने, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अब उन 18 के 18 को देख लेते हैं कि उस 18 बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से पार्ट आते हैं, किस किस स्टेट्स में हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को 1986 में स्टैब्लिश किया गया था, मतलब इसको दर्जा दिया गया था बायोस्फीयर रिजर्व का। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता कौन कौन सा एरिया, वायनाड जो हमारी सेंचुरी, उसका नागरहोल, बांदीपुर और
मुंडुमलाई, नीलमपुर, साइलेंट वैली, ठीक है, सुसुना हिल्स, और ये किस किस स्टेट्स में नीलगिरी? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, इन तीन स्टेट्स में हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फैला है, ठीक है। और बाकी ये इसके पार्ट्स हैं, वायनाड वगैरह हो गए, तो आपको पता होना चाहिए। अगर नीलगिरी पूछ लिया जाए तो क्या सिर्फ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक ही स्टेट में? तो नहीं, नीलगिरी तीन स्टेट्स में, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। उसके बाद हमारा आ जाता है नंदा देवी। इसको देखो, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था 1988 में, 1988 में, और इसमें कौन कौन से पार्ट आता है? चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये कहाँ पे है? नंदा देवी उत्तराखंड में लोकेटेड, आपने सुना भी होगा, काफ़ी फेमस जगह है। उसके बाद है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, इसको 1988 में बनाया गया था इसको भी, और इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? गारो हिल्स का, जो मेघालय में, गारो खासी जयंतिया हिल्स है ना, जो इसी नाम से ट्राइबल्स भी लोग भी रहते हैं, तो उसके जो गारो हिल्स है उसमें नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद है। उसके बाद आ जाता है ग्रेट निकोबार। निकोबार मतलब आपको नाम से पता चल गया, अंडमान निकोबार में होगा। कहाँ पर है? साउथर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणी आइलैंड है वहाँ पे लोकेटेड है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद आ जाता है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं इस, ये कहाँ पर है? इंडियन पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। जो इंडिया और श्रीलंका का मैप है ना बीच में, वहाँ पे जो गल्फ पड़ती है वहाँ पर लोकेटेड, ठीक है। इसमें बेसिकली मरीन जो बायोडायवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जैसे फिश वगैरह हो गए, एल्गी वगैरह हो गए, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये पांच हो गए। अब आगे देखते हैं, अब जो हमारा छठा बायोस्फीयर रिजर्व है हम इंडिया में, वो है मानस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? कोकरझारा, ठीक है, बोंगियांग, बारपेटा, नालबारी, कमरपुरा, दरंग डिस्ट्रिक्ट, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? असम में लोकेटेड है मानस। और इसको कब बनाया गया था? 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। उसके बाद है सुंदरबन हमारा, सुंदरबन को हमारा 1989 में घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व, और इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है वो आता है इसमें। फिर है सिंपली पाल, जिसको 1994 में, 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था, और इसमें मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारा उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। तो सिंपली पाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ हमारा? उड़ीसा में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा डिब्रू साइकोबा। इसको 1997 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, और ये इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? डिब्रूगा और तिनिस्को डिस्ट्रिक्ट जो कि असम में लोकेट है। तो असम के हमारे अब तक एक मानस हो गया और एक डिब्रू साइकोबा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। उसके बाद आता है दिहांग दिबांग, बहुत ही नाम सुना होगा, दिहांग दिबांग वैली भी है, जिसमें सियान और दिबांग वैली जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। और इसको बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया था? 1998 में घोषित किया गया था दिहांग दिबांग को बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद 11th पे हमारे पंचमढ़ी, नाम से पता चलते हैं मध्य प्रदेश में होगा, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया और मध्य भारत के नाम होते हैं। तो इसमें कौन कौन सा एरिया था? बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और इसको बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया था? 1999 में। उसके बाद हमारा आ जाता है कंचनजंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2000 में। इसमें कंचनजंगा पार्ट जो सिक्किम में लोकेटेड है वो, और इसको हाल ही में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारा प्रोग्राम है यूनेस्को का जो 1971 में स्टार्ट हुआ था, उसको इसका पार्ट बनाया गया, और इसको मिला के अब हमारे टोटल मैप प्रोग्राम में 11 बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। 10 पहले से थे, और इसे हाल ही में 2018 में ऐड किया गया कंचनजंगा को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में। अब आए 30 नंबर पे अगस्त्यमलाई, ठीक है। इसको कब लोकेटेड, इसको कब बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था? 2001 में। इसमें कौन कौन से एरिया था? नेयार, पेपारा, सिंदूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देयर एडजॉइनिंग एरिया इन केरला। और ये बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड? केरला में लोकेटेड है हमारा अगस्त्यमलाई, ठीक है, और 2001 में जिसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। उसके बाद अचकमगढ़ अमरकंटक, जिसको 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। अमरकंटक बहुत ही फेमस जगह, आपने सुना होगा, जैसे नर्मदा वगैरह निकलती है, काफ़ी तीन रिवर्स निकलती है इसमें अमरकंटक हिल्स से। तो इसमें कौन कौन से आते? अनूपपुर एंड डिब्रू डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, एमपी के दो डिस्ट्रिक्ट, और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ का? छत्तीसगढ़ स्टेट का। तो ये जो हमारा अचकमगढ़ अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है दो स्टेट्स में फैला हुआ है, ठीक है, एक तो हमारा मध्य प्रदेश में और दूसरा छत्तीसगढ़ स्टेट में, और इसे 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। उसके बाद है कच्छ, कच्छ को 2008 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, और इसमें कौन सा पार्ट आता है? कच्छ, राजकोट, सुरेंद्र नगर और पठान सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट, गुजरात में है कच्छ हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, गुजरात में लोकेटेड है। उसके बाद आ जाता है कोल डेजर्ट, ठीक है, उसको भी हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया 2009 में ही, और इसमें कौन कौन सा एरिया आ जाता है? पिन वैली नेशनल पार्क एंड सराउंडिंग, चंद्रताला एंड सरचू किबिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये हमारा हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है कोल डेजर्ट, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद जो हमारे 17 और सेसाचलम हिल्स, सेसाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर है? चित्तौड़ और कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। सेसाचलम हिल्स जो 2010 में जिसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया, तो वो हमारा आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और जो हमारा लास्ट है पन्ना, जिसे 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, सबसे लेटेस्ट है हमारा, इसमें पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। और इसको 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। तो ये थे हमारे 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व। अब आज के लेक्चर पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे सेगमेंट पे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज बायोस्फीयर रिजर्व आर इन यूनेस्को's मैन एंड बायोस्फीयर लिस्ट, ठीक है। इस मैन एंड बायोस्फीयर को कई बार मैप भी लिख देते हैं, MABB कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मैन एंड बायोस्फीयर। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व मैप का पार्ट है, ठीक है। हमने बताया था कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे इंडिया में, उसमें से 18 में से 11 मैप का पार्ट है। तो हमको बताना है कौन कौन से। ऑप्शन ए में मानस, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, नोकरे, कच्छ। और हमको बताना है ऑप्शन ए में कह रहा 1, 2, 3, 5, बी में 1, 3, 5, बी में 2, 3, 4, सी में 1, 3, 5 और डी में 3, 4, 5। तो वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2, 3 और 4, ठीक है। ग्रेट निकोबार है हमारे मैप का पार्ट, ठीक है, सुंदरबन है और नोकरेक है, ये तीन पांचों में से है। मानस और कच्छ मैप का पार्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं अनिल द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब इंडिया का जो मैप है उसमें हमें नॉर्थ से लेकर साउथ तक बताना है बायोस्फीयर रिजर्व का, कि कौन सा नॉर्थ में आता है, फिर उसके बाद क्या, कोल डेजर्ट, मानस, पन्ना, नीलगिरी। तो आपको बताना है कौन सा नॉर्थ में आता है, फिर उसके बाद साउथ की तरफ हमें ऐसे बढ़ते चलना है। ऑप्शन ए में कह रहा है 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 4, सी में कह रहा है 3, 4, 2, 1 और डी में कह रहा है 1, 4, 3, 2। तो बताइए इसका राइट सही ऑर्डर क्या लगा हुआ है नॉर्थ टू साउथ। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए 1, 2, 3, कोल्ड डेजर्ट, फिर आता है मानस, फिर आता है पन्ना और आता है फोर लास्ट में साउथ में सबसे नीलगिरी, ये था नॉर्थ टू साउथ। एक बार हम मैप में भी इसको देख लेते हैं ताकि आपको सही से आइडिया हो जाए। ये देखिए सबसे पहले क्या था, कोल्ड डेजर्ट हमारा ये रहा जो कि हिमाचल में लोकेटेड है, उसके बाद मानस दिया था ये रहा जो कहाँ पर है, असम में लोकेटेड है, उसके बाद कौन सा था, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और सबसे लास्ट में क्या दे रखा था, नीलगिरी जो कि साउथ में लोकेटेड है ये रहा, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला वाले एरिया में। तो ये था नॉर्थ टू साउथ में, तो 1, 2, 3 ऐसी क्रोनोलॉजी दे रखी थी, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व थे। तो ये था हमारा लेक्चर, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज, कोई सजेशंस है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।